हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैटो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर आज ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे फिर इनका और आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन इस पर्सन के मन में आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर अब करंट में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आज मैं देखूंगी, लेकिन मैं कैंडल वैक्स के थ्रू इनकी करंट एनर्जीज यहाँ पर चेक करूँगी, ठीक है, कि इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो जो भी चीज़ें पता चलेंगी कैंडल वैक्स के थ्रू, वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, ठीक है। उससे पहले अभी करंट में पर्सन किस एनर्जी में है वो टैरो से देखा जाएगा, ठीक है। रीडिंग जो भी होगी वो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव के लिए यहाँ पर रीडिंग हो रही है। तो हर एक बात आपसे मिल पाना नामुमकिन है, डिफ़िकल्ट है, तो ब्रॉड माइंड करके आपको रीडिंग को सुनना है, देखना है। एंड दूसरी चीज़ की टाइमलेस रीडिंग मैं बनाती हूँ, तो जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, एंड दौरान रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं, अभी करंट में ये पर्सन आखिर है तो किस एनर्जी में, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। तो सबसे पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी जस्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राशियाँ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में है वो है आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एंड ये आपकी लिब्रा। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज दिख रही हैं, यानी कि राशियाँ दिख रही हैं। वैसे यहाँ पर ऑल साइन बेस्ड रीडिंग हो रही है, अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। नंबर की बात करूँ तो मुझे देखिए आपके लिए नंबर 2, 5 एंड 11, ये तीन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका फरवरी, मई एंड नवंबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में मिले थे, या ये वही मंथ है जब आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी, सेपरेट हुए थे आप लोग, या फिर चांसेस हैं 11 साल, 5 साल, 2 साल का आपका रिश्ता इनके साथ रहा है, 11 महीने, 5 महीने, 2 महीने से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, दूरियाँ चल रही हैं, मन मुटाव चल रहे हैं, या फिर चांसेस हैं कुछ लोगों के केस में तो भाई देखो 2 साल भी हो सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ चलने होंगे। सवाल जैसे कि हमारा आज की इस रीडिंग का है कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है। देखिए ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो ना हो, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा गहरे हो चुके हैं। एज एन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस सेपरेशन की, इन दूरियों के बीच की मेन जो वजह है वो है आपकी ट्रस्ट इश्यूज़। चाहे ये ट्रस्ट इश्यूज़ जो है आप दोनों के बीच में एकदम सडनली, ऑल ऑफ सडन आ गए, अनएक्सपेक्टेडली आ गए, या फिर ये जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे ये किसी ने क्रिएट करे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में जो भी मन मुटाव की वजह दिख रही है वो मेन ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रही है। और इस पर्सन को करंट में भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें लग रही हैं, जैसे कि इस रिश्ते में जो भी आज हालात चल रहे हैं या जो ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है इसके पीछे की वजह ये कहीं ना कहीं देखिए आपको मान रहे हैं। एज एन इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि इन्होंने सब बहुत अच्छे से करा, बहुत बैलेंस में लेकर ये सभी चीज़ों को चल रहे थे, अपने कैरियर को, आपको, आपके साथ के रिश्ते को, ओवरऑल ये बहुत मैच्योरिटी से सभी चीज़ें बहुत अच्छे से लेकर चल रहे थे। लेकिन अगर आप ऐसा ना करते, अगर आपकी साइड से ऐसा ना होता तो शायद आज ये अपने आप को दो राह पे खड़ा नहीं पाते, या आज आप दोनों अलग अलग राहों पे ना खड़े होते। तो ऐसा दिख रहा है, देखो आपके पार्टनर को हो ना हो आपके तरफ से किसी तरह की गलत फहमियाँ हैं,
इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ गलत करा है, न्याय नहीं करा है, इनके साथ बिल्कुल फेयर नहीं करा, और वही चीज़ें इस पर्सन को आपके लिए तकलीफ होने के बावजूद भी, आपको खोने का अफसोस होने के बावजूद भी, ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं और क्रॉस रोड पर अपने आप को खड़ा भी पा रहे हैं और पीछे मुड़कर भी ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है, आगे चल रहे हैं। हालांकि जितना ज़्यादा ये पर्सन आगे चल रहे हैं उतना ज़्यादा अफसोस भी हो रह रहा है इन्हें कि अगर ये ज़्यादा आगे तक चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये आपको हमेशा खो दें, या इस तरह का अफसोस इनके दिल में है, इस तरह का रिग्रेट है कि क्या ये सही कर रहे हैं, क्या इन्होंने सही करा। तो ओवरऑल मन में एक गिल्ट, एक अफसोस है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आगे चल रहे हैं क्योंकि ये खुद अपने आप को कन्फ्यूज पा रहे हैं, खुद ये इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं कि आपने ऐसा इनके साथ क्यों करा। वो सवाल इनके मन में करंट में भी चल रहे हैं कि आपने इनके साथ न्याय क्यों नहीं करा। अब यहाँ पर ये चांसेस हैं कि देखो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे इस पर्सन की साइड से हो, आपकी साइड से हो, चाहे आपके परिवार वाले हो, इनके परिवार वाले हो, आपके दोस्त यार, आपके भाई बहन, सिबलिंग्स हो, या इनकी ही साइड की क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी गलत फहमियाँ इन सभी लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, जिसमें आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ इस इंसान ने मेरे साथ न्याय नहीं करा, या ये जो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझसे बात करे बिना आगे चलते जा रहे हैं, तो ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं, तो सेम इन्हें भी कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा ही करंट में लग रहा है। आपको ये पर्सन डेफिनेटली स्पाई करते हैं, वो बात और है भाई, देखो आपने अभी ने कितना ब्लॉक कर दिया, कितने इनके आपको ढूंढने के आपने रास्ते बंद कर दिए, लेकिन ये पर्सन आपको ढूंढते हैं, आपको चेस कर रहे हैं करंट में भी, एज एन चाहे किसी फेक आईडी से कर रहे हो, किसी फ्रेंड की आईडी से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की इच्छा है ये जानने की कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन चल तो रहे हैं लेकिन इनके दिल में एक अफसोस है, इस तरह की घबराहट अभी भी इस पर्सन के दिल में है कि ये सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उस तरह का कन्फ्यूज़न इनके मन में अभी भी चल रहा है। इन्हें ओवरऑल ये लग रहा है कि देखो मैंने अपनी लाइफ में सभी चीज़ें या इस रिश्ते को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा, सभी चीज़ें मतलब मैंने सब जगह बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा, मेहनत करी, लेकिन फिर भी बदले में मुझे क्या मिला, दर्द मिला, पेन मिला, तकलीफ मिली, ये डिप्रेशन मिला, ये कन्फ्यूज़न मिला, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को करंट में बैलेंस भी नहीं करने दे रही हैं अपने आप को। ये पर्सन करंट में देखो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसे दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक तो वही जो मैंने आपको बताया, और एक दूसरा पॉइंट है इनका जो ये इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो जिसे एक्चुअली में ये पर्सन देखकर अनदेखा कर रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं, तभी ये पर्सन यहाँ पे अपने आप को एक क्रॉस रोड पर देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि करंट में ये पर्सन ड्यूअल थॉट्स के बीच में, यानी कि दोहरी सोच इस पर्सन की बनी हुई है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और यही वजह है यहाँ पर ये रिश्ता ना यहीं पर रुका पड़ा है, बस आप दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन अपनी अपनी साइड से कोई एक्शंस नहीं ले रहे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करा जा रहा है वो आपके पार्टनर की साइड से ही करा जा रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए अब देखते हैं, ये तो है इनकी करंट एनर्जीज, देखते हैं अब मन में चल क्या रहा है इनकी कैंडल वैक्स के थ्रू, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पार्टनर का नाम लेकर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, उनके करीब पहुँचने की या उन्हें अपने करीब पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ या आप उनकी सोच को पढ़ पाएँ, उनके मन को पढ़ पाएँ, उनके दिल को समझ पाएँ, ठीक है। नाम उनका ज़ोर से ले पाएँ तो ज़रूर से ज़ोर से लीजिएगा, लेकिन उसी नाम से पुकारना है जो नाम सिर्फ आप लेते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत लो मुझे वैसे आपके पर्सन की देखो एनर्जीज़ अभी तक फील हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान से जैसे ये हैं, बुझा बुझा पन मुझे इस पर्सन की साइड से महसूस हो पा रहा है।
देखो ये पर्सन ना अपने मन को किसी को भी पढ़वाने देना नहीं चाहते, एज एन इनके मन में क्या है आपको लेकर या ओवरऑल क्या चल रहा है इनके मन में, ये नहीं चाहते हैं कि कोई इन्हें पढ़े या ये नहीं चाह रहे हैं कि ये खुली किताब बने, और वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ चल रही हैं, जो भी वजह चल रही है, उस वजह को ये पर्सन डेफिनेटली दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। दो दो थॉट्स इस पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर और इवन आपको लेकर भी चल रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इनके मन में ना ये चीज़ें चल रही हैं कि जो भी अभी सिचुएशन है, जो भी हालात चल रहे हैं, ये एकदम पहाड़ जैसे टफ हैं। जैसे कि पहाड़ देखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने की अगर आप कोशिश करो या चढ़ो ना, तो वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में हैं। यहाँ पे एल लेटर, आई लेटर, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि L4 कि ये पर्सन डेफिनेटली लव आपसे करते हैं। ये पर्सन ना अब जब भी प्यार के बारे में सोचते हैं तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम याद आता है। भले मन में इनके बहुत सारी अब शिकायतें हैं, शिकवा हैं आपसे, लेकिन फिर भी प्यार कि जब भी ये बात सोचते हैं ना, तो इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपका ही थॉट सबसे पहले आता है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका थॉट अब इस पर्सन को बुझा भी देता है, इनकी एनर्जीज को लो भी कर देता है, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें देखो आपको लेकर सेट कर दी गई हैं या इन्होंने खुद ही कर ली है कि यहाँ पर आपने इनके साथ फेयर नहीं करा, गलत करा, इन्हें बैलेंस नहीं दिया, इन्हें न्याय नहीं दिया। कुछ लोगों के केस में मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपकी साइट से यहाँ पर कोई लीगली इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के केस में यहाँ पर लीगली इश्यूज चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें आपको लेकर है कि भाई देखो आप जो भी कर रहे हो, जिस भी तरह के केस चल रहे हैं, जो भी आपने इनके खिलाफ जाकर केस डाले हैं, वो कहीं ना कहीं इनके साथ गलत है, इनके साथ आपकी साइड से गलत हो रहा है। यहाँ पे आपका नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे इम्पॉर्टेंट दिखा, नंबर 6, नंबर 9 यानी कि जून एंड सितंबर मंथ भी। ये पर्सन ना इसी रीज़न की वजह से कि भाई यहाँ पे फेयर नहीं हुआ एंड ऑल, इसी सोच की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को पत्थर बना रखा है। इसी सोच की वजह से ये पर्सन नहीं चाह रहे हैं कि कोई इनके इमोशंस को, इनके जज्बातों को, जो भी इनके दिल में आपको लेकर है ना, वो कोई पढ़े, इसी रीज़न की वजह से। यहाँ पर यू लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। इनके मन में ना कहीं ये चीज़ें हैं कि जैसे कि ये सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार आपको ठहराना चाह रहे हैं। हालांकि किसी पॉइंट पर इन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ गलती मेरी साइड से भी है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये यू ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी गलती ज़्यादा है। तो ऐसा भी इस पर्सन के मन में चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं दो थॉट्स की वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। ड्यूअल थॉट्स ये पहले भी रखते हैं, आपने महसूस करा होगा, अभी भी ऐसा है, जिसमें कहीं ना कहीं एक वजह तो मुझे दिख रही है कि आप पर इसीलिए ब्लेम लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई अगर ये सारे ब्लेम्स अपने आप पे लेते हैं तो आप इन्हें टेक फॉर ग्रांट ले लोगे। आपको लगेगा कि भाई इस इंसान की गलती है तो मैं क्यों इसे अपने लाइफ में लेकर आऊं। और दूसरी वजह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रस्ट इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग तो भाई यहाँ पर कूट कूट कर भर दी गई है। इस पर्सन को पता है कि देखो आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो ऐसा आम रिश्ता नहीं है, कॉमन रिश्ता या कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप दोनों देखो ब्लड से नहीं जुड़े हुए हो, आप दोनों सोल से जुड़े हो, दिल से जुड़े हो, भावनाओं से जुड़े हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस आप तक नहीं पहुँचाने देना चाह रहे, उसकी वजह ये है कि ये जानते हैं कि अगर ये
आप तक अपनी वाइब्रेशंस पहुंचाएंगे ना तो आप इन्हें पढ़ लोगे, क्योंकि आप दोनों सोल तक कनेक्टेड हो। पहले आपने इन्हें पढ़ा, आपने इन्हें जाना, लेकिन अब आप सडनली क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? इस इंसान ने अपने आप को इसीलिए बंद करा क्योंकि ये जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जान जाएंगे कि भाई इस पर्सन के दिल में अभी भी मेरे लिए जज्बात हैं, इमोशंस हैं, और अगर मैंने खोल दिए ना वो जज्बात, वो इमोशंस, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से आपको इनकी कमज़ोरी दिख जाएगी। तो इस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन ना अपने इमोशंस, अपनी वाइब्रेशंस आपकी तरफ नहीं भेज रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये पर्सन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मन से दिल से ये चाह रहे हैं कि नई शुरुआत हो, यू टर्न हो, वापसी हो, तो इसी रिश्ते में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जानते हैं कि भाई देखो अगर यही रिश्ता बेहतर हो जाता है, इसी रिश्ते में नई शुरुआत होती है, तो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए हैं, दोनों एक दूसरे की गलतियों को समझ गए हैं, और ओवरऑल जो एक रिश्ते में चाहिए होता है ना, वो सब एक दूसरे को हम लेकर समझ गए हैं। जो अब एक नए रिश्ते में जाकर कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को सही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते हैं, और वही थॉट, वही बात इस पर्सन को इसी रिश्ते में न्यू बर्थ करने के लिए भी जैसे इन्हें बोलती है। लेकिन अगेन ये पर्सन ना इस फीलिंग्स को आप तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आप देखिए ये हार्ट जैसा दिख रहा है, जो शेप इसकी बदल रही है, दिल बना लेकिन दिल का यहाँ पे पूरा आकार ही चेंज हो गया, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि ये इस दिल में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए। इस दिल में आज भी आप हो, या आज भी ये आपके बिना कितने लो फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा बुझापन इस पर्सन की ज़िंदगी में, इस पर्सन की लाइफ में है, तो इसीलिए इस पर्सन ने जैसे अपने इमोशंस को तुरंत सामने के सामने पलट दिया। आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होंगे कि एक पल तो लगता है कि भाई ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, आज भी इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन अगले ही पल जैसे बस आपने पलक झपकाई, और अगले ही पल ऐसा लगा कि यार ये तो कितना घमंडी है, इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, और जब इसे मेरी ज़रूरत नहीं है तो भाड़ में जाए ऐसा इंसान। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को खुद आपके सामने अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे जे लेटर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं कि इस रिश्ते में दरार आ गई है, ठीक है, और वो दरार भरना शायद मुश्किल है, इन्हें ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एच लेटर, आर लेटर मुझे दिखाई दिया, इवन के, के फॉर काइट वाला भी यहाँ पे है, वाई लेटर भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जब जब ये ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि भाई दरार आ रही है, या रिश्ते में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, तब तक इस पर्सन का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। मतलब ये पर्सन ना ओवरथिंकिंग की वजह से भी अपने स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सोच रहे हैं मन ही मन में, लेकिन सॉल्यूशंस को नहीं सोच रहे हैं। दरार आई है लेकिन दरार भरने के रास्ते ढूंढने की बजाय उस बात पे अड़े पड़े हैं कि ऐसे हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ से इन्होंने थॉट अपना शुरू करा कि हाँ ये चीज़ें हुई, और इनके थॉट्स इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं ये खुद नहीं समझ पा रहे, इनका अपने थॉट्स पर खुद ही जैसे कंट्रोल ख़त्म हो गया हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली। ऐसा दिख रहा है कि देखो किसी पॉइंट पर इस पर्सन के मन में डर भी है, एज एन की डर की वजह से भी ये पर्सन सॉल्यूशंस ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम्स ज़्यादा सोच रहे हैं, या प्रॉब्लम्स इन्हें इतनी बड़ी लग रही है जिसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ डर ही नज़र आ रहा है कि ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी यहाँ पर है। देखो ऐसा दिख रहा है कि जो भी इस पर्सन ने अपने मन में थॉट्स रख रखे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो थॉट्स इस पर्सन को खुद संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, वो थॉट्स ना इस पर्सन को खुद इमोशनली लेवल पर जहरीला बना रहे हैं, टॉक्सिक बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे जी फॉर गॉड मुझे दिखाई दे रहा है, जो चांसेस बता रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपना जो भी
समय है ना, ये पर्सन यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, अपने गॉड पर ज़्यादा डाल रहे हैं। एज एन इनका जो फोकस है इस वक्त में ज़्यादातर अपने भगवान पर है या उन पर ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि ये ज़िंदगी की कौन सी घड़ी है जिसमें ये पूरी तरह से फंस कर रह गया है। इसका ना कोई इन्हें ओर दिख रहा, ना छोर दिख रहा। ओवरऑल अपने आप को ना चक्रव्यूह में तो ये फंसा हुआ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर यानी कि मार्च मंथ भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखा। एंड देखिए 6 नंबर उधर से देखेंगे कि तो 9 नंबर, और ये मैंने आपको बताया 3 नंबर है। पी लेटर भी यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। ठीक है, जेड लेटर भी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। जो भी मैं लेटर्स बता रही हूँ आपके पार्टनर या आप दोनों के नाम के, ये इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो इनके मन में ना ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि इन्हें देखो आपसे बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, और वो शिकायतें ना इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मानने के लिए इन्हें फोर्स कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, बोझ डाल रही हैं कि भाई देखो आप इनके लिए अब स्ट्रेंजर बन गए, ये आपके लिए स्ट्रेंजर या अजनबी बन गए और आप इनके लिए अजनबी बन गए हो। तो ये चीज़ें ना अपने आप को मनवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो ये हलवा नहीं है, ये दिल का मामला है, ये सोल का मामला है। इनके मानने से, अपने आप को ज़बरदस्ती नेगेटिविटी की तरफ धकेले से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आप दोनों सोल लेवल तक कनेक्टेड हो तो हो, ये चाहे फिर अपने आप को कुछ भी मनवाते रहें, अल्टीमेटली यहाँ पर इस रिश्ते में आप दोनों जुड़ोगे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए आपको ये हार्ट दिख रहा होगा, मुझे बहुत क्लियरली ये हार्ट दिख रहा है। तो इस पर्सन को कुछ भी मनवाने दो अपने आप को, लेकिन अल्टीमेटली होना यहाँ पे आप लोगों का संगम ही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग तो है ही हैं इस दूरियों के पीछे की वजह, थर्ड पार्टी तो है ही है, लेकिन यहाँ पर दीवारें क्रिएट करने वाले या फिर दरारें क्रिएट करने वाले ये भी खुद भी बने पड़े हैं। इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, जैसे मुझे कुछ लोगों के केस में तो ऐसा दिख रहा है बहुत वक्त हो गया है आप दोनों को एक दूसरे को देखे हुए, एक दूसरे की आवाज़ सुने हुए, मतलब सामने आमने सामने देखे हुए बहुत वक्त हो गया है, और ये पर्सन तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, आपके सामने आने के लिए। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में मन में चलती हैं, और चांसेस हैं इन्होंने आपका फ़ोटो DP ये कुछ भी जो भी है आप लगा रहे हो या पहले का ही है उसे देखते भी हैं, क्योंकि ये तरस रहे हैं आपको देखने के लिए। इमोशनली लेवल पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बात आई है ना एनर्जी की कि भाई तुमने मेरे साथ गलत करा और ये सब, तो देखो इस पर्सन को एक वक्त पे आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, और भले आपकी साइड से वो छोटी मोटी इनकी एक्सपेक्टेशंस टूटी हो या आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पर, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हो, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पर किसी और ने फ़ायदा उठाया है। ठीक है, और इस इंसान के साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि ये कहीं ना कहीं सोच ज़्यादा रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इस नेगेटिविटी की वजह से, इस जहरीलेपन की वजह से ये पर्सन खुद चिड़चिड़ाते फिर रहे हैं, खुद इरिटेट होते हैं लोगों पर, दोस्तों पर, कलीग्स पर, आसपास के जो भी इनका माहौल है ना, तो उन पर भी ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो, गुस्सा कर देते हो, क्योंकि इस पर्सन ने ना अपना एक अलग ही दायरा बना रखा है, ये अपने उसी दायरे में रहना चाह रहे हैं अपनी सोच के साथ, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एज एन इनको ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज पहले भी रहा, जैसे शक करने की इनकी आदत पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के शक को आग लगा दी गई है, उस पर नमक मिर्ची डाल दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज़ इस पर्सन को हो रहे हैं। काम बहुत कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन काम में जैसे इनका मन नहीं लग रहा, काम को लेकर भी बहुत नेगेटिविटी इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आ चुकी है। क्योंकि नेगेटिव इंसान हर एक चीज़ में कमियां ढूंढ ही लेता है, तो आजकल ये वही काम कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं हर एक काम में, हर एक इंसान में, हर एक जगह पे, हर एक सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढ ही लाते हैं,
कमियां ढूंढ ही लाते हैं, तो आपके पर्सन अब करंट में उन्हीं कैटेगरीज में शामिल होते जा रहे हैं। इनको लगता है या इनके मन में ये थॉट्स हैं कि भाई किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भरोसे लायक नहीं है, सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए, और वो चीज़ें सोचते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, बोझ लेते रहते हैं। तो ऐसे इंसान बने पड़े हैं ये, जैसे बहुत बहुत बुजुर्ग लोग जो होते हैं थोड़ा सा वो भी इसी तरह से सोच रखने लगते हैं ना, तो ऐसी सोच मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ये पर्सन ना वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं आपके मन में क्या है, आपके मन को टटोलना चाहते हैं, उसमें जाकर देखना चाह रहे हैं। लेकिन देखो, जब इन्होंने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, जब खुद ही अपने आप को इन्होंने इतना क्लोज कर रखा है, तो ये आपके मन में कैसे झांकेंगे? जब ये खुद को ओपन करेंगे तभी तो ये देख पाएंगे कि आपके दिल में, मेरे व्यूअर्स के दिल में इनके लिए क्या है। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ देख पा रही हूँ। मन में ये चीज़ें ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर रही है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, ये सिर्फ घसीटती जा रही हैं, च्युइंगम की तरह बस खिंचती चली जा रही है, वही की वही टस से मस ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है, सिचुएशन नहीं हो रही है, उसे सोच सोच कर रोते भी हैं, उसके भी यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे मन ही मन में सोचते हुए, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दिया, और ये ट्राइंगल तो डेफिनेटली क्रिएट ये बता रहा है कि भाई थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में है। इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन की शक की बीमारी को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ज़्यादा कुछ मूवमेंट इस पर्सन की लाइफ में हो नहीं रहे हैं व्यूअर्स, ऐसा भी यहाँ पे है। भले ये दिखा रहे होंगे कि लाइफ में काफ़ी कुछ मूव हो रहा है, कुछ काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन मूवमेंट्स इस पर्सन की लाइफ में नहीं है। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे बादल हो जैसे लग रहे हैं, जो बेसिकली ये बता रहा है कि देखो बादल तो छट जाएंगे, जो भी आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन है ये बहुत टेम्परेरी है, और ये बादल अल्टीमेटली छट जाएंगे। हाँ, ये बादल थोड़ा सा गरजेंगे भी, थोड़े से इसमें से दर्द भी निकलेगा, बारिश भी हो सकती है इनमें से, लेकिन अल्टीमेटली ये छट जाएंगे। तो आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, बहुत टेम्परेरी है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड को सेट कराना होगा, माइंड को समझाना होगा, ताकि ना आप यही मैनिफेस्ट करो, ताकि इसी तरह से आप अपनी लाइफ को लेकर, इस रिश्ते में अगर आप आना चाहते हो तो उसको लेकर आप पॉजिटिव हो पाओ। तो कोशिश आप ये करो, ठीक है, क्योंकि ये मुझे बहुत टेम्परेरी फेज़ आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है, या अगर बहुत लंबे समय से चल रहा था तो कुछ पल और का ये फेज़ है और अब ख़त्म होने वाला है, ये बादल अब छट जाएंगे बरस कर, गरज कर, तो ऐसा भी यहाँ पर है। चलिए डिवाइन की तरफ से देखते हैं इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे। लर्न फ्रॉम लाइफ एंड बॉटम की एनर्जी है प्लांट एंड सीड्स। देखिए बेसिकली ना यूनिवर्स या डिवाइन आपको कुछ लेसन्स देना चाहती है, यूनिवर्स या डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहती है जो बेसिकली आपने अपनी किताबों में नहीं पढ़ा, जो आपने इवन अपने परिवार के परिवार से नहीं सीखा, ये आपको खुद ही एक्सपीरियंस करना था, और ये आप एक्सपीरियंस तभी कर पाते जब आपको यूनिवर्स या डिवाइन कोई मेजर झटका देती। चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब नेगेटिव थॉट्स में आप काफ़ी ज़्यादा उलझ रहे थे, जैसे कि आपके पार्टनर को आपको लेकर काफ़ी इश्यूज होने शुरू हो गए थे, डाउट्स होने शुरू हो गए थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही चीज़ें आपकी तरफ से भी क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, जिस रीज़न की वजह से इस कनेक्शन में ये टेम्परेरी पॉज आना ज़रूरी था। और अगर आपने अभी भी यहाँ पर यही चीज़ें कंटिन्यूसली रखी कि भाई आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, इस इंसान को लेकर बुरा ही सोच रहे हो, रिश्ते को लेकर बुरा सोच रहे हो, तो ये जब तक आपने नहीं सीखा तब तक ये ना घसीटता ही रहेगा, जैसे आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई वक्त आते अब यहाँ पर पॉजिटिव होना शुरू कर दो,
जो भी बोना है ना वो पॉजिटिव वे में पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ बोना शुरू कर दो, क्योंकि आपके साथ ही इसीलिए हुआ है, लाइफ ने आपको यही लेसन सिखाने के लिए आपके साथ कुछ इतना बड़ा मेजर झटका आपको या आपके पार्टनर को दिया है। तो ऐसा यूनिवर्स या डिवाइन आपको आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोल रही है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर पसंद आती है तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।